शाम दाम दंड भेद हर पहलू ये अपनाती है, त्याग देती है सभी धर्मों को, तब जाकर सेना कहलाती है। भारतीय सेना की वीरता और कामयाबी के किस्से कम नहीं है, जो हर राष्ट्रभक्त के अंदर जुनून भर देता है। हर कहानियां हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस कराती है। यूं तो भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी, मगर सेना दिवस 15 जनवरी को ही मनाई जाती है, तो इसके पीछे वीरता की एक बहुत ही दिलचस्प दास्तान है। दास्तान है एक ऐसे वीर की जो बेमिसाल था, ना केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक बेमिसाल पिता भी, जिनके पुत्र को 65 की जंग में बंदी बना लिया गया था। दुनिया के सैन्य इतिहास में ऐसी कहानी ढूंढने से नहीं मिलती, जिसे सुनते ही भारतीय इतिहास की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कहानी है फील्ड मार्शल KM करियप्पा की। वर्ष 1949 में 15 जनवरी को ही जनरल करियप्पा को भारतीय सेना का पहला हिंदुस्तानी कमांडर इन चीफ बनाया गया। करियप्पा का जीवन भले ही परीक्षाओं और संघर्षों से भरी थी, मगर काबिलियत इतनी थी कि उस वक्त उससे सर्वश्रेष्ठ कोई भी खुद को साबित नहीं कर सका। वर्ष 1919 में जनरल करियप्पा को सेना में अस्थाई कमीशन मिली। क्योंकि हुकूमत उस वक्त अंग्रेजों की थी, तो एक भारतीय का सेना में कार्यरत होकर प्रमोशन पाना कितना संघर्ष भरा होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर काबिलियत इतनी कि उन्हें आगे बढ़ने से कोई न रोक सका। स्टाफ कॉलेज जाने वाले पहले भारतीय अफसर बने, इम्पीरियल डिफेंस कॉलेज जाने वाले पहले भारतीय अफसर बने और खूंखार बटालियन के पहले भारतीय कमांडर भी बने। वर्ष 1940 में करियप्पा ब्रिगेडियर बनाए गए, मगर कार्यकाल संभालने का मौका उन्हें एक वर्ष बाद मिला। उनकी पोस्टिंग जहां जहां भी हुई, उन्होंने अपने इलाके को संयमता से संभाला, क्रूरता के बजाय दोस्ती से हालातों को संभालने की कोशिश की। वर्ष 1947 में अंग्रेजों से मिली आजादी और पाकिस्तान के हुए बंटवारे के बाद भारत के 3 वरिष्ठ अफसर थे, KM करियप्पा, श्री नागेश और नाथू सिंह राठौर। जब वक्त आया आजाद भारत का पहला आर्मी इन चीफ बनाने का, तो उसको लेकर मीटिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि क्योंकि भारतीय अफसरों में अनुभव की कमी है, तो क्यों ना अंग्रेजों को ही ये पद सौंपा जाए। मगर नाथू सिंह राठौर ने कहा कि भारतीयों के पास तो प्रधानमंत्री के पद संभालने का भी अनुभव नहीं है, तो क्यों ना किसी अंग्रेज को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जो सबसे वरिष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें ही ये पद संभालने का मौका मिलेगा। उन्होंने KM करियप्पा का नाम लिया। तब जाकर 4 दिसंबर 1948 को करियप्पा को पहला आर्मी इन चीफ नियुक्त किया गया। अंग्रेजी हुकूमत के 200 साल बाद पहली बार किसी भारतीय को भारतीय सेना की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई। 15 जनवरी 1949 को करियप्पा ने इस पद को ग्रहण किया। तब से लेकर अब तक हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और देश का आन संभाल रहे सभी भारतीय जांबाजों को सम्मानित किया जाता है।